राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से रायचौरा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका दमो। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब चुनाव परिणाम आएंगे और लोगों को पता चलेगा कि आखिर बाजी किसने मारी। लेकिन इसके पहले कयासों का दौर जारी है कि आखिर किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। दमोह विधानसभा की, दमोह जिले की सबसे चर्चित विधानसभा है पथरिया विधानसभा। इसके साथ ही लोगों की नज़रें दमोह जिले की सभी विधानसभाओं पर लगी हुई है। पथरिया विधानसभा में 2018 में बसपा से प्रत्याशी रहीं रामबाई सिंह ने बाजी मारी थी। वहीं पार्टी ने एक बार फिर उनको प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से लखन पटेल हैं। वहीं कांग्रेस ने राव ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे उसी दिन पता चलेगा कि आखिर कौन जीता। हमारे साथ दमोह जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में दमोह जिले में क्या स्थिति रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बीडी शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आखिर पथरिया विधानसभा की बात करें तो इस बार क्या स्थिति देखते हैं? पिछली बार जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पथरिया से बसपा ने बाजी मारी थी और जो लखन पटेल थे बीजेपी के उम्मीदवार वो दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां से कांग्रेस के बागी ब्रजेंद्र राव खड़े हो गए थे जिस कारण से कांग्रेस को चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार के चुनाव काफ़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है सीधा मुकाबला बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर है। ना तो बीजेपी से कोई बागी खड़ा हुआ है, ना ही कांग्रेस से कोई बागी खड़ा हुआ है। इसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस बार पथरिया विधानसभा में कांटे की टक्कर हो सकती है जी। और बाकी विधानसभाओं की बात करें दमोह जिले की, तो क्या स्थिति देखते हैं? दमोह जिले की 3 अन्य विधानसभाओं में भी जहां तक देखा जा रहा है तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। वहीं जबेरा सहित हटा विधानसभा में भी जो बागी हैं वह कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं इसको? जी कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन यह सीधा सीधा खेल बिगाड़ने का काम नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहां दमोह ज़िले में लगातार दोनों पार्टियों की ही सक्रियता रही है। सिर्फ एक पथरिया विधानसभा है जहां पर बीएसपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है, लेकिन दमोह की बाकी 3 विधानसभाओं में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पिछले विधानसभा चुनाव से जो हैं जो बागी हैं वह समीकरण बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे थे, और बार भी जो बागी हैं दोनों पार्टियों से खड़े हुए हैं। जैसे जबेरा में मान के चले जाए तो बीजेपी के बागी हैं जो विनोद राय, वह गोंडवाना पार्टी से खड़े हुए हैं, और वहीं हटा विधानसभा में
कांग्रेस से जो बागी हैं भगवान दास चौधरी, वह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों विधानसभा सीटें हैं जो समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं दमोह विधानसभा में भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जयंत मलैया को टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं यह दमोह विधानसभा का मुकाबला भी रोचक रहेगा, क्योंकि दमोह में उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी और अब यह भाजपा ने जयंत मलैया के ऊपर विश्वास जताते हुए फिर उन्हें टिकट दी है, तो यह दमोह विधानसभा का मुकाबला भी रोचक होगा। शर्मा जी का कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हमारे साथ एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश गर्ग जी मौजूद हैं। गर्ग जी, क्या देखते हैं आप जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? अगर दमोह जिले की चारों विधानसभा की बात करें तो मेरे हिसाब से दमोह पथरिया विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने में आ रहा है। वहीं तीन विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर, लेकिन अगर बात करें जवेरा विधानसभा की तो कहीं ना कहीं विनोद राय जरूर नज़र फाइट में नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार उनकी सक्रियता, जो पिछले कई वर्षों से वो समाज सेवा के काम करते थे, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में खड़े हुए हैं, जीजीपी गठबंधन से जो खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर सक्रिय नज़र आ रहा है। बाकी सीधी बात करें तो पथरिया छोड़कर तीनों विधानसभा में नेट टू नेट फाइट रहेगी। कहीं ना कहीं लाडली बहना का जो लाडली बहना को लेके जो चल रही है भाजपा प्लस पॉइंट लेके चल रही है, ये कहीं ना कहीं नज़र आया है। वोटिंग और परसेंटेज की बात करें पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार जो वोटिंग और परसेंटेज बढ़ा है, उसका एक कारण ये भी है कि पास में दिवाली थी तो जो मजदूर बाहर से आए हुए थे वो रुके रहे, तो एक प्लस पॉइंट वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का यही कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार महिला मतदाता निकली हैं तो भाजपा अपने आप को यही मान के चल रही है कि लाडली बहना का जो सीधा सीधा लाभ है वो मिला है। वहीं कांग्रेस ओपीएस जैसे अन्य मामलों को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर ओपीएस जो ओपीएस मत की बात कांग्रेस पार्टी ने की है उसको लेकर प्लस पॉइंट देने की बात कांग्रेस कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अटल राजन जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति इस बार रहने वाली है। अटल भैया, क्या स्थिति इस बार रहने वाली है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव इस बार बड़ी अलग स्थिति रहने वाली है। पिछले चुनाव में आपने देखा था जिस तरह से ओपन घात प्रतिघात का दौर चला था, भाजपा की तरफ से बागी प्रत्याशी के रूप में कुसमरिया बाबा उतरे थे, कांग्रेस से पथरिया से ब्रजेंद्र सिंह, हटा से प्रदीप खड़ीक उतरे थे। इन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदला, इन लोगों की पार्टियों में वापसी हो गई। कांग्रेस ने जहाँ दोनों बागियों को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं भाजपा ने बाबा जी को निगम मंडल का अध्यक्ष बनाकर उपकृत किया। इस वजह से इस बार खुलकर तो बागी नहीं है मैदान में, लेकिन घात प्रतिघात का दौर बहुत जम के चारों विधानसभाओं में चला है। पहली बार ऐसा देखने को मतलब जातिवाद पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिस जाति का प्रत्याशी है उसके समर्थन में उसके वर्ग समाज के लोग खुलकर नहीं, पर्दे के पीछे से जमकर उभर कर सामने आए हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान इस चुनाव में यदि वोट कट रही हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की कट रही हैं। उदाहरण हमारा जवेरा में सामने है, जहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर कर सामने आई है। पथरिया में बहुजन समाज पार्टी अच्छी टक्कर दे रही है। हटा में भी हाथी अच्छी चलने की खबर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरा जो कोण है इस बार अच्छी वोटें ले जाएगा, और ये जितनी ज़्यादा वोटें ले जाएगा इसी से भाजपा कांग्रेस की जीत हार का अंतर तय होगा। पथरिया में इस बार बसपा विधायक रामबाई सिंह जो हैं उनकी क्या स्थिति आप मानते हैं, क्या वो इस बार फिर बाजी मारेंगी? देखिए, पिछली बार जब रामबाई जी चुनाव लड़ी थी उस समय जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, उसके अलावा उनके परिवार के लोग जी जान से तनमन धन से लड़े थे। इस बार उनके परिवार के लोग जेल में हैं, उस तरह की उनकी फाइट मैदान में नजर नहीं आ रही। ये अलग बात है कि जनता की उनके प्रति सहानुभूति है, और जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है उससे हम कह सकते हैं कि वो मुकाबले में बनी है, और आखिरी में यदि बाजी मार लें तो आश्चर्य नहीं होगा। तो अटल भैया का भी ये मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है सभी जगह पर। हम अकरम भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। अकरम भैया, क्या मानते हैं क्या स्थिति इस बार रहेगी भाजपा की, कांग्रेस की और बाकी विधानसभाओं में, और क्या देखते हैं? रवि भैया, देखा जाए तो पुराने ही चेहरे ज़्यादातर लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वही स्थिति है। आज जवेरा और पथरिया दो स्थान ऐसे हैं जहां जातिगत आधार पर टिकट का वितरण हुआ, उसी आधार पर चुनाव हुआ। और दमोह, चूँकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रहे अपने जयंत मलैया जी, उनको पार्टी ने टिकट दी, उनने पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन दमोह विधानसभा की अगर बात करें तो देखा गया है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस में भीतरघात होता था, इस बार भाजपा के साथ भीतरघात की स्थिति नज़र आ रही है। पथरिया में त्रिकोणीय संघर्ष रहा, सभी को मालूम है। हटा में
शिवचरण पटेल जी के कारण बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भगवान दास चौधरी जी, उनने दोनों ही दल के प्रत्याशियों को प्रभावित किया है। इस तरह से माना जा रहा है कि बहुत कुछ वोट वो ले सकते हैं। अगर वो अधिक वोट लेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, अगर वो वोट नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ बढ़ती नज़र आ रही है। इसी तरीके से यहाँ की स्थिति है अपने पथरिया की। पथरिया में त्रिकोणीय संघर्ष है, जातिगत समीकरण पर चुनाव हुए हैं। जबीरा में एक नए प्रत्याशी हैं भाजपा से जो बागी होकर चुनाव लड़े, विनोद राय जी, उन्होंने बहुत कुछ वोट काटी है। वहाँ पे भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी सभी जगह अपने अपने तरीके से कयासबाजी लगाई जा रही है। अब परिणाम धीरे धीरे सामने आएंगे। अगर हम मुद्दों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां मुद्दों से बहुत दूर रही हैं, स्थानीय मुद्दों का अभाव रहा है, प्रलोभन के आधार पर चुनाव हुए हैं, जो भविष्य के लिए देश और प्रदेश के लिए खतरा है। अगर लाभ देने की बात करें तो लाभ उनको मिलना चाहिए जो वंचित हैं, लेकिन सामूहिक लाभ जो मिल रहा है लोगों के लिए, और जो देने की बात होती है वोट का, जो वोट पाने के लिए जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां प्रलोभन दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये नुकसानदार। तो दमोह जिले की बात करें तो कितनी बीजेपी, कितनी कांग्रेस और कितनी अन्य पार्टियां, कितने नंबर? अभी पहले से ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में कहां कौन सी वोट बहुत अधिक प्रतिशत में मतदान हुआ है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है। तो हमारे साथ एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। भैया, आप क्या मानते हैं दमोह ज़िले में क्या स्थिति रहेगी इस बार? इस बार क्या है दमोह ज़िले में स्थिति, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप स्वास्थ्य पर जाए तो स्वास्थ्य सुविधा तो यहाँ पर कुछ है नहीं। डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज घोषणा हुई थी, अभी तक ना मेडिकल कॉलेज आया ना पता चला। एक जैसे यहाँ दमोह में हुई, छतरपुर में भी हुई, कहीं कोई सुविधा से सब वंचित रह गए और कुछ नहीं। अभी एक पत्रकार साथी बोल रहे थे लाड़ी लक्ष्मी बहना का फ़ायदा मिलेगा। मेरा कहना ये है कि लाड़ी लक्ष्मी बहना का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन उनको मिला जिनको ज़रूरत थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको लाड़ी लक्ष्मी योजना का फ़ायदा नहीं मिला, तो वो तो वंचित रह गए। आपको ध्यान होगा कि जो जंगलों में आदिवासी निवास करते हैं उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, वो बंद कर दी गई। दूसरी ओर योजना चार महीने पहले ये लॉन्च हुई और उसके बाद 4 महीने वृद्धों की पेंशन रोक दी गई, तो वो भी नाराज हुए। तो ये हम कह नहीं सकते कि ये सरकार के खिलाफ है या सरकार के लिए फ़ायदा। अब देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा हमारे दमोह ज़िले में चौपट है। डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा कमी है। आज कोई भी छोटा गंभीर मरीज आ जाता है उसको सीधा उठा के जबलपुर रेफर कर दिया जाता है, जबकि यहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी बनी हुई, एक ही डॉक्टर बैठता है जो पूरे वार्डों को देखता है, वो अपने चैम्बर में बैठा रहता, कहीं कोई सीरियस मरीज हो जाता उसको देखने के लिए वो जाता नहीं। अगर आपको मरीज को आपको उसके पास लाना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ डॉक्टरों की सुविधा बढ़ा दी जाए तो मरीजों को इससे फ़ायदा होगा। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार आजम खान जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिणाम क्या रहेंगे। आजम खान जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में पथरिया और अन्य विधानसभाओं की बात करें तो क्या स्थिति देखते हैं, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है कहां पर? जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इस बार का चुनाव बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां दमोह ज़िले में चुनाव चलता था, तो अब वो स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आपस में चुनाव हो। अब तीसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना दबदबा बताया है और उन्होंने कहा है, जैसे पथरिया की बात की जाए कि कांग्रेस के बागी प्रत्याशी थे पिछले बार राव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंतर से अपने पिछले चुनाव में अपना स्थिति निर्मित की थी, तो इसलिए उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया और काफ़ी अच्छी पोजीशन में। ये कहा जाए कि जो रामबाई सिंह परिहार हैं, जो पूर्व अभी विधायक हैं, उनसे भी आगे निकलने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के राव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह नंबर एक पे पहुंचेंगे, रामबाई के काम है इसलिए दूसरे नंबर पे पहुंचेंगे, और तीसरी पोजीशन आपकी भारतीय जनता पार्टी की वहां बनने वाली है। अच्छा, एक जो कहावत चली आ रही है जो वहां पथरिया का अपन कहा जाए कि कभी भी वहां के जो एक बार विधायक बन जाता है दोबारा कभी इतिहास गवाह है कि वो विधायक नहीं बना है, इसलिए कहा जा सकता है कि पथरिया में फिर इस बार कोई नया चेहरा ही आएगा, जो नए चेहरा है जिसने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता होगा वो आएगा। पुराने विधायक हमें लगता है कि जैसे जो लखन पटेल हैं या रामबाई है, उनकी स्थिति नहीं बनने वाली। जिले की अन्य विधानसभाओं में क्या हालात देखते हैं आप?
दमोह जिले की बात किया तो सीधी सीधी फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। भाजपा की ओर से वित्त मंत्री पूर्व जयंत मलैया हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 महीने पहले लॉन्च की है और जितना योजना में उन्होंने काम किया उससे ज़्यादा प्रचार प्रसार में किया है, तो जाहिर तौर पर शहरी महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं वो इससे प्रभावित हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अच्छी पोजीशन लग रही है। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं अभी कांग्रेस के हैं वो अजय टंडन जी, जिन्होंने भी अच्छा जो अभी उनका कार्यकाल रहा है वो अच्छा कार्यकाल रहा है और जिन्होंने काम भी कराए यहाँ पे विपक्ष में होने के बावजूद काम किए, तो उनकी भी पोजीशन अच्छी, मतलब दमों में नेक टू नेक फाइट किया है। और अगर अपन बात करें जबेरा की, तो जबेरा में दो पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो पूर्व विधायक रह चुके हैं प्रताप सिंह, वो अच्छी पोजीशन में है, और धर्मेंद्र है जिनका काम मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। इनसे उभर के तीसरी पार्टी के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विनोद राय आए हैं, जिन्होंने 5 साल लगातार ना विधायक रहते हुए भी उन्होंने क्षेत्र में बड़े अच्छे काम किए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो इससे लगता है कि उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी बनने वाली है वहाँ पर। अगर बात की जाए हटा की, तो उमा देवी खटीक जो 2 बार पहले विधायक रह चुकी हैं उनको फिर पार्टी ने चुना, इस बार टिकट दिया है, जिनका पुराने 2 बार के कार्यकाल अच्छे रहे हैं, हालाँकि पिछले बार उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, इस बार जो उमा देवी खटीक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी स्थिति में इस बार हाटा पोजीशन में पहुंची हैं। दूसरी पोजीशन पे अगर कहा जाए तो कांग्रेस की हैं, लेकिन कांग्रेस ने ओपीएस को बनाने की पूरी कोशिश की है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बनाने की कोशिश की है और लगता है कि उसका भी फ़ायदा उनको यहाँ मिलेगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो कांग्रेस का बागी है उसने कांग्रेस का ही नुकसान किया है, भगवान दास चौधरी हैं जो कांग्रेस के थे, उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया है, तो उन्होंने भी बहुत हद तक जो नुकसान किया कांग्रेस का किया। इससे कहा जा सकता है कि अगर उमा देवी खटीक की पोजीशन नंबर 1 पे रहने वाली है, नंबर 2 पे जो कहा जाए प्रदीप खटीक होंगे, और नंबर 3 की पोजीशन पे अगर अपन पथरिया बात की तो कांग्रेस के बागी और बसपा पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास रहने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं, किस पार्टी की कितनी सी विधानसभा में सीटें आएंगी। जी मैं आपको बता दूं, जैसे दमोह जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पथरिया, जबेरा, दमोह और हटा। देखा जाए तो दमोह एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लेकिन तीनों विधानसभा सीटों बाकी जो बस्ती हैं उनमें त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर बसपा और 2 जगह बसपा है और 1 जगह पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। यहाँ जो बसपा की प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में है वो विधायक भी हैं, पहली बार दमोह जिले में बसपा की एक सीट आई थी, इस बार पुनः मैदान में और कड़ी टक्कर भी दे रही हैं। और रही बात हटा की, तो हटा में जो बसपा से भगवान दास चौधरी ही कांग्रेस के बागी हैं, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा है, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के ही वोट बैंक पर हमला कर रहे हैं, और इनका साथ भी एक भाजपा नेता ने दिया है, तो जहाँ तक मैं मानूँ तो कुछ कुर्मी वोटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय साफ है। रहा जबेरा का सवाल, तो वहाँ पर पूर्व विधायक है जो कांग्रेस के रहे थे प्रताप लोधी, और वर्तमान विधायक जो भाजपा के हैं धर्मेंद्र लोधी, इसके साथ ही भाजपा के ही बागी विनोद राय जो गोंडवाना गणतंत्र और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है। अगर देखा जाए तो दो जो दमोह जबलपुर सड़क मार्ग है, इसके एक तरफ का हिस्सा देखा जाए तो विनोद राय का काफ़ी वर्चस्व है, और वहीं दूसरे हिस्से में भी उन्होंने चुनाव के समय पर अच्छी पकड़ बनाई थी, तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो फाइट में वो भी बने हुए हैं। यहाँ पर कौन जीतेगा आशय अप्रत्याशित परिणाम यहाँ के भी आ सकते हैं। रहा दमोह का, तो दमोह में कांग्रेस भाजपा के बीच में चुनाव है, यहाँ पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया प्रत्याशी के तौर पर है भाजपा से, तो कांग्रेस में जो 2.5 साल से विधायक थे अजय टंडन वो प्रत्याशी हैं, तो लगभग इनके बीच में कड़ा मुकाबला है। जहाँ शहरी और ग्रामीण वोट जो पड़ी हैं उसमें देखा जाए तो कयास यही लगाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में मलैया जी बढ़त लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में अजय टंडन बढ़त ले सकते हैं, तो यहाँ पे मुकाबला तब तक सामने है जब तक 5 बजे तक जब मतगणना होगी तब कयास लग सकते हैं कि आखिर यहाँ का रुझान किस तरफ जा रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि एक सीट पर कांग्रेस भाजपा में टक्कर है, तो 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। विजय जी का कहना है कि 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि 1 में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वैभव नायक जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति आपके हिसाब से इस बार रहने वाली है दमोह जिले की 4 विधानसभाओं में।
देखिए मैं दमोह जिले की चार विधानसभा हैं, लेकिन उसके अलावा अभी पूरे मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो यहाँ हमेशा से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहा है। तीसरी पार्टी अभी उस तरीके से अस्तित्व में नहीं आई है कि सत्ता को कुछ बदल सके। अगर मैं दमोह की बात करूँ तो यहाँ पर भी हर सीट पर आपको मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मिलेगा, लेकिन यदि किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार बागी हो जाता है या इतना बड़ा चेहरा रहता है कि जब वो किसी अन्य पार्टी से करता है तो परिणामों को ज़रूर उसने प्रभावित किया। पिछले चुनाव में ये हालात बने थे कि भाजपा को दो सीटों पर तो फुल नुकसान उठाना पड़ा था, जो उनके मौजूदा सिटिंग विधायक थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को जबेरा में इतनी बुरी स्थिति हुई थी कि जो उनके सिटिंग विधायक थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। और हटा में भी यही बात, तीसरे चेहरे के कारण ये हालात बने थे कि भाजपा का अपेक्षाकृत कम मजबूत उम्मीदवार जो पहली बार राजनीतिक मैदान में आए थे उनको जीत मिल गई थी। तो इस बार जब चुनावों के समीकरण बन रहे थे तो हर पार्टी ने ये प्रयास पूरा किया है कि हमें कहीं ना कहीं से भितरघात का या ऐसे सीधे सीधे कोई ना करना पड़े। तो हटा दमोह में तो उन्होंने इस पर सफलता पाई है, पथरिया में भी इसमें दोनों पार्टियों ने सफलता पाई है, लेकिन हटा और जबेरा में वो स्थितियां वो फिर नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि वहां पर भी एक एक चेहरा ऐसा सामने आया है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आप पथरिया की बात करूँगा तो पथरिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उन्होंने पिछली बार भितरघात किया था तो उनको भी शायद वही चीज़ें सहनी पड़ेंगी। अब हम इसके बाद अगर जबेरा विधानसभा की ओर जाते हैं तो जबेरा विधानसभा में ये बात सही है कि भाजपा से बागी होकर जो बड़ा चेहरा सामने आया और उसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का गठबंधन वाला चूंकि है तो उनका दोनों पार्टियों का साथ मिला है तो वो जरूर एक गेम चेंजर बन रहे हैं। वो कुछ ना कुछ समीकरण करेंगे, या तो वो रहेंगे या वो किसी ऐसी पार्टी को जिताएंगे। और तो अभी तक जो हमारे सामने आ रहा है तो वो नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं, ऐसा भाजपा का भी मानना है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य सीटों पर अभी भी भाजपा की उतनी पकड़ मजबूत नहीं है। हटा में इस बार जब चुनाव शुरू हो रहे थे उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कांग्रेस मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस उसे नहीं संभाल पाई और उनके ही एक बड़े नेता टिकट ना मिलने से नाराज बसपा में आ गए और बसपा और गोंगपा यानी दो पार्टियों का साथ लेकर मैदान में है तो वो भी चुनावों को बदलने में भूमिका निभाएंगे। दमों में कोई अभी तीसरा नहीं है, जयंत मलैया और अजय टंडन दोनों अपने अपने स्तर पर बात करेंगे। अजय टंडन और उनका परिवार भी काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक सक्रिय है, ये कहने में कोई हिचक नहीं कि दमों की जब राजनीतिक शुरुआत हुई थी तो शायद टंडन परिवार का ही दबदबा था और उनके सामने जो मलैया परिवार है, जयंत मलैया परिवार, तो वो भी भाजपा की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। और दमोह का अगर आम इतिहास हो, जब से भाजपा अस्तित्व में आई है जयंत मलैया के अलावा कोई भी भाजपा के लिए दमोह से विजय नहीं ला पाया। अगर जयंत मलैया नहीं जीते तो भाजपा नहीं जीती है। पथरिया में रामबाई सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनकी क्या स्थिति आप देखते हैं, किस बार फिर वो जीतेंगे? देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं, एक तो एक पुराना ट्रेंड है कि कभी मौजूदा विधायक वहाँ से जीता नहीं है, एक हमें इस ट्रेंड को याद रखना पड़ेगा। दूसरा ये बात करना पड़ेगा कि जब आप सत्ता में नहीं रहते और आप विधायक रहते हैं तो आप शायद अपने क्षेत्र की उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते जो आपको करनी चाहिए क्योंकि आपको सत्ता का साथ नहीं मिलता। तो रामबाई के लिए और बसपा के लिए वो भी एक दिक्कत वाली बात होगी। तीसरा, रामबाई का जो परिवार जिन परिस्थितियों में रहा है उसके कारण इस बार वो चुनाव में कमज़ोर हुई हैं, तो उस चुनाव में कमज़ोर होने के कारण कहीं ना कहीं आ रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा उनसे आगे निकली है। और पुराने चुनाव का जो ट्रेंड था, तीनों बहुत ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इतने कम मार्जिन में रहे थे जो इस बार के उम्मीदवार हैं, हालांकि वो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार में थे, कि कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई थी। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये फ़ायदा तो मिला है कि इस बार वो टॉप टू में आने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ पत्रकार विकास अग्रवाल जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति इस बार चुनाव में रहने वाली है। विकास जी, क्या स्थिति इस बार चुनाव में देखते हैं, कितनी सीटें भाजपा को, कितनी कांग्रेस को और अन्य को? जी हाँ, दमोह जिले की बात करें तो दमोह जिले में चारों विधानसभा में लगभग दो सीटें भारतीय जनता पार्टी के तख्ते में देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम दमोह विधानसभा की बात करें तो दमोह विधानसभा में पिछले कई वर्षों से पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं, चूँकि पिछले चुनाव में यहाँ पर उन्हें हार कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह से हारना पड़ी। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में फिर पुनः राहुल सिंह ने पार्टी चेंज की जिसके कारण कांग्रेस की यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बना। लेकिन इस चुनाव में जहाँ तक लाडली बहना का, अगर लाडली बहना जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई गई है उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, 25 से 27% महिलाओं का वोट बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बढ़ना दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम बात करें जबेरा विधानसभा की, तो जबेरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच विनोद राय जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सामने आए थे, उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का था, जिसमें अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ से भी मिलेगा। वहीं हम बात करेंगे तो
अपनी पथैया विधानसभा की। पथैया विधानसभा में पिछली बार 4 प्रत्याशी थे, जिनमें 2 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से, एक प्रत्याशी कांग्रेस का पार्टी का था और दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से बागी होकर आया था। वहीं 3 प्रत्याशी पिछले बार भी चुनावी मैदान में थे, जो इस बार चुनावी मैदान में रहे हैं। तो 4 प्रत्याशी में से जो इस बार 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं जैसा आपको वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि विधायक रामबाई इस बार कमज़ोर पड़ती नजर आई हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में से किसी एक पार्टी को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे हटा की, तो हटा में चूँकि खटीक समाज का वोट बैंक ज़्यादा है और दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस भाजपा ने अपना प्रत्याशी खटीक समाज से उतारा है और बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह जी, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट बैंक कांग्रेस को नुकसानदायक हो सकता है, तो उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर मिल सकता है। तो ये थे हमारे साथ दमोह ज़िले के सभी वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मानना है कि दमोह विधानसभा को छोड़ दें, जहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लेकिन बाकी 3 विधानसभाओं में त्रिकोणीय मुकाबला है और बागी यहाँ खेल बिगाड़ सकते हैं।